मैं प्रियंका अग्रवाल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कक्षा 5 विषय संस्कृत, जिसमें बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक है आलापम। आज हम लोग इसका चौथा पाठ सदाचार इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने स्कूल के चैनल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे आपके स्कूल से जुड़ा कोई भी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द पहुँच जाए। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा चौथा पाठ सदाचार। सज्जना नाम आचार्य सदाचार इति कथ्यते। सज्जन व्यक्ति के व्यवहार सदाचार कहलाते हैं। ये जना सत एव विचारयन्ति, सत एव वदन्ति, ते एव सज्जना भवन्ति। जो लोग सच सोचते हैं, सच बोलते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। स्व कियानि इंद्रियाणि वसे कृत्वा सर्वै स सिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। जो अपनी इंद्रियों को वश में करके सबसे शिष्ट व्यवहार करते हैं, वही सज्जन होते हैं। विनय ही मनुष्यानां भूषणम्। विनय ही मनुष्यों का भूषण है। विनयशील जन सर्वेषां जनानां प्रिय भवति। विनयशील लोग सभी लोगों के प्रिय होते हैं। विनय सदाचारात् उद्भवति। विनय सदाचार से पैदा होता है। सदाचारात् विविधा अन्येपि सद्गुणा विकसन्ति। सदाचार से विविध दूसरे सद्गुण भी विकसित होते हैं, यथा जैसे धैर्य संयम निर्भीकता आत्मविश्वास। धैर्य संयम निर्भीकता और आत्मविश्वास। सदाचार नाम नियमों संयमों पालनम अस्ति। सदाचार का नाम नियम और संयम का पालन करना होता है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रियों को संयम रखना यानी इंद्रियों को बस में रखना सदाचार का मूल मंत्र होता है। किम उचिता किम अनुचिता वा इति सदाचारिन निर्णेतुं शक्यते। क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका निर्णय हमें सदाचार से ही करने को मिलता है। अतः सदाचार सर्वदा रक्षणीय। अतः सदाचार की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। सत्य एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। यत अस्माभिः सर्वदा चरित्रस्य रक्षा कार्या। हमें अपने चरित्र की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तर्हि सर्वं विनष्टम् भवति। चरित्र अगर नष्ट हो गया तो समझो सब कुछ विनष्ट हो गया, यानी सब कुछ नाश हो गया। इसीलिए कहा गया है यस्मिन् देशे यः आचारः पारम्पर्य प्रक्रमागत वर्णानां सान्त्रालानं स सदाचार उच्यते। जिस देश में जो व्यवहार परंपरा के क्रम से समस्त वर्गों को प्राप्त होता है, उसे ही सदाचार कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा चौथा पाठ, लेकिन आपको अपनी बुक में इसके एक्सरसाइज फिल करने हैं और नोटबुक में शब्दार्थ के साथ एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है। यही आपका होमवर्क है। मैं फिर आपसे बाद में मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।